नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, और इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, काफ़ी नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमें भी जो स्टाफ नर्स की शानदार जॉब मिले, और ये शानदार जॉब इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ होंगे उनको भी सशस्त्र सीमा बल यानी कि मिलिट्री में जॉब करने की मौका मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी जॉब रहने वाली है उनके लिए। इस भर्ती की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो और किसी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, कौन कौन इसको अप्लाई करेगा, कितनी टोटल पोस्ट हैं, वो सारी टर्म एंड कंडीशंस इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी सारी बातें समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटिस निकाल दिया गया है, नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी निकाली गई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो यहाँ पर आप। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल, सशस्त्र सीमा बल, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों न्यू दिल्ली से, आपका सपने की जॉब है ये, आपको न्यू दिल्ली में इसकी जॉब है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और वैकेंसी सर्कुलर के बारे में अगर हम टोटल इसकी बात करते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगा। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे इंडिया, नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि मेल एंड फीमेल्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, स्टाफ नर्स में सब इंस्पेक्टर की जॉब निकाली गई है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है, स्टाफ नर्स के सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप समझ सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी होती है, और लोगों का ये सपना होता है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये सभी के लिए निकाली गई है। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स फीमेल, यानी कि जो स्टाफ नर्स रहेंगी इसमें फीमेल्स के लिए निकाली गई हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, जो कि 35,400 से 112,400, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है आपके। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, यहाँ पे बताया गया है कि जो नेपाल और भूटान के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी निकाली गई हैं जैसा आपको पता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर प्योनियर और सब इंस्पेक्टर यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट्स की निकाली गई है, उसके बाद में कम्युनिकेशन की निकाली गई है, और उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर SI यानी कि स्टाफ नर्स फीमेल। यहाँ पे दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकाली गई है ये केवल फीमेल्स के लिए निकाली गई है, और इसमें ओनली फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसियों की बात करें, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनको, जैसे कि UR की जनरल की यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 17, और EWS की 2 पोस्ट हैं दोस्तों, और OBC की 10 पोस्ट हैं, इसी तरीके से SC ST की 8 और 2 हैं। इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी हो रही हैं दोस्तों यहाँ पे 39 वैकेंसी हो रही हैं, जो कि काफ़ी वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे जो 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए 10% का रिजर्व यहाँ पे रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो कंडीशंस हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताया गया है पोस्ट के बारे में, आगे कंडीशन को देखते हुए डायरेक्टर जनरल SSB रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जो पोस्ट दी गई है दोस्तों इनको बढ़ा भी जा सकता है, घटा भी दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो आप जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करोगे रिसीव थ्रू एनी अदर मोड एक्सेप्ट ऑनलाइन मोड, यानी कि जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे केवल ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। और आगे की बात इसमें देखते हैं, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट फॉर्म अमोंग द पोस्ट एज मेंशन सेड, यानी कि इसमें बताया गया है दोस्तों जिसमें जितनी पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट की दी गई हैं और उनमें एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी को अप्लाई लगा दे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। उसके बाद में हम एसेंशियल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम बात करेंगे स्टाफ नर्स की जो सब इंस्पेक्टर की है। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, यहाँ पे देखिए
21 साल टू 30 साल तक, यानी कि जो एज क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे 21 साल से लेकर 30 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 10 12th की होनी चाहिए, जो कि साइंस होनी चाहिए उसको है। उसके बाद में यहाँ पे GNM किया हुआ होना चाहिए और BSc नर्सिंग किया होना चाहिए। और इन लोगों को दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, यानी कि कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इन लोगों को होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो फॉर्म की रहने वाली है यहाँ पे 30 दिन, यानी कि जब से ये फॉर्म निकाले गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 9 तारीख को ये लेटर निकाल दिया गया था और उससे 30 दिन यानी कि 9 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में फ़ीस जो अप्लाई करोगे आप, ऑनलाइन तरीके से फ़ीस अप्लाई करोगे, और यहाँ पे जनरल के लिए EWS और OBC कैटेगरियों के लिए जो फ़ीस लगने वाली है दोस्तों 200 रुपये लगेगी, ज़्यादा रुपये नहीं है, आराम से लगा सकते हो। उसके बाद में अप्लाई किस तरीके से करोगे आप, अप्लाई आप वेबसाइट देखिए, ऐसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ के ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी www.ssbrect.government.in। ठीक है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है ये निकाला गया था 9/7/2021 को। ठीक है, उसके बाद में सारी टर्म एंड कंडीशन दोस्तों मैंने बता दी हैं आपको। तो दोस्तों मैंने आपको सारी बातें इस वीडियो में बता दी हैं, आई होप आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेके आते हैं अच्छा सा वीडियो आपके लिए। थैंक यू।